कोल इंडिया के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं, प्रॉफिट में या फिर लॉस में, और आगे शेयर प्राइस में क्या इंपैक्ट देखने में मिलने वाला है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट। यहाँ पे जो भी डेटा गिवन है वो करोड़ में गिवन है, तो देखते हैं इस क्वार्टर में कितनी इनकम आई। इस क्वार्टर में 36,086 करोड़ की इनकम आई है। पिछले क्वार्टर में 34,495 करोड़ की इनकम आई थी। एक साल पहले देखेंगे तो 25,963 करोड़ की इनकम आई थी। तो अब की बार जो इनकम है क्वार्टर क्वार्टर पे भी बढ़ी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर में जो एक्सपेंस खर्च किया कंपनी ने वो कितना किया है, लगभग अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 24,000 के आसपास यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंस खर्च किया है। पिछले क्वार्टर में 25,161 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया था, और एक साल पहले देखेंगे तो 21,626 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया था। तो एक चीज यहाँ पे मुझे काफी अच्छी लगी कि कंपनी ने अब की बार इनकम ज्यादा जनरेट की है और पिछले क्वार्टर की तुलना में, और पिछले क्वार्टर की तुलना में एक्सपेंस कम खर्च किया है। इससे आपको साफ समझ में आ रहा है कि कंपनी ने अब की बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी का ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम फाइनल एक्सपेंस देखें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में एक्सपेंस कम है, लेकिन पिछले साल की तुलना में एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है, वो आपको प्रॉफिट देख के समझ में आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 12,077 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 9,335 करोड़ का प्रॉफिट था। एक साल पहले देखेंगे तो 4,335 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट जो है कंपनी का काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी, ईयर ऑन ईयर में भी। फाइनल प्रॉफिट देखें तो 8,834 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। पिछले क्वार्टर में देखें तो 6,715 करोड़ का प्रॉफिट है, और एक साल पहले देखेंगे तो 3,174 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अब की बार जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे और ईयर ऑन ईयर पे भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से शेयर प्राइस काफी ऊपर जा सकता है। तो ये तो हमने देखा कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट। यहाँ अब हम देखने वाले हैं कंपनी का स्टैंड लोन रिजल्ट। स्टैंड लोन रिजल्ट देखें तो यहाँ पे जो इनकम है 357 करोड़ की आई है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 3,984 करोड़ की इनकम आई है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे सॉरी पिछले साल देखेंगे तो 171 करोड़ की इनकम देखने मिल रही है। तो अब की बार जो इनकम है पिछले क्वार्टर की तुलना में तो काफी कम देखने मिल रही है, लेकिन पिछले साल की तुलना में अभी भी हमें इनकम ज्यादा देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर में एक्सपेंस कंपनी ने कितना खर्च किया है, 140 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ का किया था, एक साल पहले 217 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया था। तो अब की बार पिछले क्वार्टर की तुलना में एक्सपेंस ज्यादा कंपनी ने खर्च किया है, लेकिन पिछले साल की तुलना में एक्सपेंस अभी कम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 216 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 3,870 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। एक साल पहले देखें तो 45 करोड़ का लॉस था। तो स्टैंड लोन बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, लेकिन फाइनल प्रॉफिट देखें प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड तो 160 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 3,800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, एक साल पहले लॉस था लगभग 50 करोड़ के आसपास। तो अब की बार जो नतीजे हैं थोड़े से यहाँ पे वीक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट है काफी अच्छे हैं। तो ये तो हमने देखा स्टैंड लोन, और हमने कंसोलिडेटेड देखा तो उसमें कंपनी जो परफॉर्मेंस है काफी लाजवाब है। पिछले क्वार्टर पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा कंपनी ने कंसोलिडेटेड में परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी रिजल्ट आए स्टैंड लोन पे भी आपको देखना है और कंसोलिडेटेड पे भी देखना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए आपका वो होना चाहिए कंसोलिडेटेड पे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरीज जो रहती है वो मिल करके काम करती है, और उनका सभी का डेटा हमें कंसोलिडेटेड में गिवन होता है। इसीलिए मार्केट जो भी वैल्यू देता है सबसे ज्यादा देता है कंसोलिडेटेड पे। अगर कंसोलिडेटेड अच्छे हैं तो मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगते हैं, और उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बुलिश एक्टिविटी दिखा रहा है, चार्ट पैटर्न में भी हम ये चीजें देख लेंगे। यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न में भी एक अच्छा लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। बहुत टाइम तक ये स्टॉक एक लेवल में ट्रेड करता रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत टाइम तक इसने ट्रेड किया है। 214 215 यहाँ पे ट्रेड किया है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन बार बार नीचे आ जा रहा था। अब की बार क्या किया है, बहुत अच्छा मतलब कि एक साल का जो है हाई पे चल रहा है, 52 के हाई पे चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक गया फिर नीचे आया, यहाँ पे गया यहाँ पे गया यहाँ पे गया, और इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद एन पैटर्न बना करके फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि रिजल्ट अच्छे हैं, इसी वजह से तो स्टॉक ऊपर लगातार जा रहा है। अब बाकी मार्केट डिसाइड करेगा कि रिजल्ट मार्केट को कैसे लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर और जाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और लेवल जान लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये एक लेवल था जो कि ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है, इसी पे इसने रेजिस्टेंस भी फेस किया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक आराम से 240 के लेवल तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन 234 का भी एक हर्डल रहने वाला है। तो यहाँ पे टारगेट समझ लेते हैं कि कौन कौन से टारगेट है जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला टारगेट रहेगा 234 पे, ये सेफ लोगों के लिए, सेफ जो भी मतलब सेम ट्रेड करना चाहता है उनके लिए 234 का टारगेट हो सकता है। और
जब ये 234 ब्रेक करेगा तो आराम से 240 तक चला जाएगा, मतलब 6 रुपए का मोमेंटम है। मानता हूँ बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन ये जो 6 रुपए का मोमेंटम है ये 240 जब जाएगा तो आराम से 250 जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर समहाउ 234 ब्रेक हो गया तो 240 भी आराम से ब्रेक हो जाएगा और 250 तक स्टॉक चला जाएगा। तो कुल मिला के आपको दो टारगेट के लिए कैप्चर करना चाहिए स्टॉक को, 234 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 250। आई होप लॉजिक आप समझ में आ गया होगा आपको, बट एनालिसिस एक बार अपनी जरूर करिएगा। स्टॉक को डायरेक्टली बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक को बाय करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, देन डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से आप ज्वाइन हो जाएगा। चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।